हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से हो गए। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैरियर के एसीज की, जो कि 2021 के लिए कैरियर ने लॉन्च किए हैं। अभी फिलहाल दो ही मॉडल हैं जो अवेलेबल हुए हैं, जिसमें एक स्प्लिट एसी है और एक है विंडो एसी। दोस्तों, जो स्प्लिट एसी है वो 1.5 टन की कैपेसिटी के साथ आता है और 3-स्टार रेटिंग है उसकी, और जो विंडो एसी है वो नॉन इन्वर्टर है, 1.5 टन की कैपेसिटी और 3-स्टार रेटिंग उसकी भी है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन एसीज के अंदर क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें कैरियर की, दोस्तों कैरियर हम सब जानते हैं इन्वेंटर ऑफ एसीज हैं, क्योंकि एसीज का इजाद किया था कैरियर नामक व्यक्ति ने। और दोस्तों, कैरियर के एसी उन लोगों के लिए बेहतरीन रहते हैं जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि मिड रेंज के एसी आपको कैरियर के मिलते हैं। क्वालिटी वाइज ठीक ठाक क्वालिटी मिलती है आपको, नॉट गुड नॉट बैड। और दोस्तों, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी इसी तरह से है, एवरेज परफॉर्मेंस करते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हाँ, सर्विस में थोड़ी बहुत दिक्कत तो हर एसी में आती ही है या हर ब्रांड में आती ही है, बट ओवरऑल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज परफॉर्म करता है। तो चलिए जानते हैं 2021 के मॉडल्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, कंप्रेसर की अगर बात करें तो जो इन्वर्टर एसी है, स्प्लिट एसी है 1.5 टन का, उसके अंदर मिलेगा इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि रोटरी कंप्रेसर है और वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलता है, क्योंकि इन्वर्टर एसी है तो वेरिएबल स्पीड्स का कंप्रेसर इसमें यूज किया जाता है। 52 डिग्री एम्बियंट टेम्परेचर तक ये कंप्रेसर परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद बात करें जो इनका विंडो एसी है, उसके अंदर आपको सिंगल स्पीड का यानी कि फिक्स स्पीड का रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा, जो 50 डिग्री एम्बियंट टेम्परेचर तक परफॉर्म कर सकता है। और एक बात और दोस्तों, जो इन्वर्टर एसी है उसका जो कंप्रेसर है, उसके अंदर जो मोटर यूज की गई है वो डीसी मोटर यूज की गई है, जिससे कि उसकी पावर एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है। स्प्लिट एसी के आउटडोर और इनडोर में जो मोटर यूज की गई है वो भी डीसी पे चलेगी। दोस्तों, इसके आयशर रेटिंग की अगर बात करें तो दोनों ही एसी, विंडो एसी भी और स्प्लिट एसी भी, 3-स्टार रेटिंग के साथ आते हैं। स्प्लिट एसी की जो आयशर रेटिंग है वो है 3.80 और विंडो एसी की जो आयशर रेटिंग है वो रहेगी 3.0। अब नॉइस लेवल की अगर बात करें तो दोस्तों, स्प्लिट एसी का नॉइस लेवल, जो इंडोर का नॉइस लेवल रहेगा, वो 32 dB से लेकर 47 dB तक जाएगा, यानी कि लो फैन स्पीड पे कम रहेगा और फास्ट फैन स्पीड पे हाईएस्ट रहेगा। और उसी के साथ अगर विंडो एसी की बात करें तो 50 dB का नॉइस लेवल आपको उसमें देखने को मिलेगा। विंडो एसीज में जनरली जो नॉइस लेवल है वो हायर ही होता है। और बात करें स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस की, तो दोस्तों इन्वर्टर एसी जो है, स्प्लिट एसी जो है, उसकी वोल्टेज रेंज आपको मिलेगी 150 से लेकर 280 वोल्ट तक। लेकिन स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशंस आपको मिल रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं एडवाइस करूंगा कि आप इस एसी के साथ एक वाइड रेंज का वोल्टेज स्टेबलाइजर जरूर यूज कीजिए। और साथ में ही बात करें अब विंडो एसी की, तो विंडो एसी में तो दोस्तों स्टेबलाइजर लगाना ही लगाना है, क्योंकि वो इन्वर्टर एसी नहीं है, वो एक नॉन इन्वर्टर एसी है और फिक्स स्पीड के ऊपर चलता है उसका कंप्रेसर, तो उसके लिए स्टेबलाइजर आपको लगाना ही लगाना है। दोनों ही एसीज में गैस R32 मिलेगी, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ओजोन लेयर को नुकसान नहीं पहुंचाती है, इको फ्रेंडली गैस है, एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, कूलिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, पावर एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। और बात करें फिल्टर्स की, तो दोस्तों जो विंडो एसी है उसके अंदर आपको सिंपली डस्ट फिल्टर देखने को मिलेगा, लेकिन जो स्प्लिट एसी है इनका, उसके अंदर आपको डस्ट फिल्टर के साथ PM2.5 फिल्टर भी मिलेगा और HD फिल्टर भी देखने को मिलेगा। तो यानी कि PM2.5 पार्टिकल्स को भी वो फिल्टर कर देगा और साथ में माइक्रो पॉलेंट्स को भी वो फिल्टर कर देगा, तो आपको एक क्लीन एयर का एक्सपीरियंस होगा इनके स्प्लिट एसी के साथ। और अब बात करते हैं वारंटी की, तो दोस्तों विंडो एसी जो कि नॉन इन्वर्टर है, उसकी वारंटी आपको 1 साल की मिलेगी कॉम्प्रिहेंसिव और 5 साल की मिलेगी कंप्रेसर के ऊपर, और ऐसा ही मिलता है सभी नॉन इन्वर्टर एसीज के साथ। लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्टर एसी है इनका, स्प्लिट एसी है, उसमें दोस्तों 1 साल की वारंटी मिलेगी पूरे यूनिट के ऊपर और 10 साल की वारंटी मिलेगी कंप्रेसर के ऊपर, और साथ में 2 साल की वारंटी दोस्तों ऑफर करता है कैरियर पीसीबी के ऊपर। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो इनके मॉडल्स अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट अवेलेबल हैं, वहाँ पर ये 2 साल की पीसीबी वारंटी का कोई जिक्र कैरियर ने नहीं किया है या अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ने नहीं किया हुआ है। तो आप जब भी
एसी खरीदे तो इस चीज का जरूर पता करें डीलर से, अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं, या फिर आप ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कीजिए, वहां पर आपको 2 साल की वारंटी प्रॉपरली वहां पर मेंशन है। तो इस चीज को आप जरूर देखिए एसी खरीदने से पहले। दोस्तों ये तो हो गई बात फीचर और स्पेसिफिकेशंस की, अब बात करें कॉन्स के बारे में। दोस्तों क्योंकि कॉन्स मुझे काफी ज्यादा फील हुए हैं इस एसी में, मॉडल्स जो हैं वो बहुत ही बेसिक्स हैं, इनके अंदर कोई भी स्पेशल फीचर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। वॉइस कंट्रोल आपको नहीं मिल रहा है, जबकि अब एसीज में वाईफाई इनेबल्ड एसी आ रहे हैं, वॉइस कंट्रोल के साथ आते हैं, गूगल अलेक्सा के साथ वो चलते हैं। उसके बाद दोस्तों इसका वोल्टेज रेंज भी आप देख लीजिए, 150 से लेकर 280 वोल्ट तक का वोल्टेज रेंज है, जो कि काफ़ी कम है, क्योंकि अब तो जो एसी आ रहे हैं वो 90 वोल्ट, 100 वोल्ट, 120, मतलब वाइड वोल्टेज रेंज के साथ आते हैं। अब 150 है तो आपको एक वोल्टेज स्टेबलाइजर भी लगाना पड़ेगा इसके साथ। उसके बाद अगर बात करें दोस्तों इसके कंप्रेसर की, तो दोस्तों कंप्रेसर सिंगल रोटरी यूज़ किया गया है। दोस्तों ड्यूल रोटरी कंप्रेसर हम सब जानते हैं एफिशिएंट ज़्यादा होता है, नॉइस लेवल उसका कम होता है, पावर एफिशिएंट होता है, स्पीड ज़्यादा होती है, कंप्रेशन अच्छे से करता है, तो ऐसे में इसमें भी ड्यूल रोटरी कंप्रेसर देना चाहिए था, क्योंकि 2021 का मॉडल है ये। लेकिन कैरियर ने एक बहुत ही बेसिक सा मॉडल लॉन्च किया है, और जो कि 3 स्टार रेटिंग में लॉन्च किया है। दोस्तों अब बात करें इनकी सर्विस की, तो सर्विस दोस्तों इनकी एवरेज मैं कहूँगा, नॉट गुड नॉट बैड। अगर आपको कैरियर का एसी लेना है तो मैं एडवाइस करूँगा कि सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी अपने एरिया में पहले ज़रूर चेक कर लीजिए। दोस्तों प्रोडक्ट के बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मॉडल नंबर भी मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, प्राइस चेक कर सकते हैं। मिड रेंज का एसी है, कैरियर का कोई इतना महंगा नहीं है, तो मिड रेंजर्स के लिए कैरियर के एसी अच्छे रहते हैं, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करो ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलूंगा आपको किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।